ये जो शहद हमने यहाँ पर निकाला है हार्वेस्ट, आपको पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ये पूरे हिंदुस्तान में केवल शिमला जिला में हम निकाल रहे हैं। तो ये पहाड़ का अमृत है, खाने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि ये शहद हमारे लिए दवाई के बराबर है। जैसे हम कोई दवाई खा रहे हैं या कोई पुराने समय में औषधि जब ली जाती है तो उसके साथ जो है वैद्य भी बताते थे कि शहद लेना ज़रूरी है। तो वही पहाड़ी शहद जो आप लोग, जिसके लिए बहुत दूर दूर से हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमें ये पहाड़ी शहद चाहिए, तो हम इसको हार्वेस्ट करने वाले हैं और आपको अपनी फार्म पे दिखाएंगे कि कैसे जो है मार्केट में सेल कर दें। तो ये मार्केट में सेल हो जाएगा, ये पूरा छत्ता जो है हमारा शहद का सेल हो जाएगा। फ़ायदेमंद ये शहद है जो मार्केट में आप ले रहे हैं, उसमें और इसमें क्या अंतर है ये आपको साफ यहाँ पर दिख सकता है। हम जानते हैं शहद के बारे में कि हमें शहद हर जगह मिल जाता है, कहीं हम पंजाब में, हरियाणा में या राजस्थान में कहीं भी है, शहद कई तरह के हमें जो है मिल जाते हैं। तो हम जब पहाड़ में आते हैं, पहाड़ी जो पहाड़ का अमृत है, क्योंकि यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ, जैसे यहाँ पर आजकल छिछड़ी जो है उससे शहद आ रहा है, और यहाँ पर थाई में जो हमारे नेनाई जिसको बोलते हैं या फिर लेफ्टी, ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो उससे आने वाला जो शहद है उसको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं अपनी फार्म से, और इसको खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि ये शहद हमारे लिए दवाई के बराबर है। जैसे हम कोई दवाई खा रहे हैं या कोई पुराने समय में औषधि जब ली जाती है तो उसके साथ जो है वैद्य भी बताते थे कि शहद लेना ज़रूरी है। तो वही पहाड़ी शहद जो आप लोग, जिसके लिए बहुत दूर दूर से हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमें ये पहाड़ी शहद चाहिए, तो हम इसको हार्वेस्ट करने वाले हैं और आपको अपनी फार्म पर दिखाएँगे कि कैसे जो है लोकल मधुमक्खी से शहद निकाला जाता है। तो इसके साथ साथ अब जब हम शहद निकाल रहे हैं तो उसके साथ हमें वैक्स भी मिलता है, जो कि उससे निचोड़ कर आता है, और उससे निचोड़ कर हम वैक्स के ये इस तरह से वैक्स बनाते हैं। इसको बनाने के बाद जो है इसके हम काफ़ी सारे जो है बायो प्रोडक्ट इससे बनते हैं। जैसे इसे ये कैंडल्स बना रहे हैं, ये कैंडल हमने वैक्स से बनाई है, और इससे जो है बहुत सारी हमारी जो कॉस्मेटिक्स आइटम है उसमें भी ये वैक्स जो है पड़ता है, और बहुत सारी दवाइयों में यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें हमारी जो है शहद और वैक्स और पोलन और कई सारी चीज़ें जो है मधुमक्खी से मिलती है। लोकल मधुमक्खियाँ हैं, इनसे हमें कई फ़ायदे हैं। जैसे पॉलिनेशन टाइम में जब हमारा एप्पल पॉलिनेशन होता है तो उस टाइम हमारे लिए बहुत अच्छी पॉलिनेटर है, कि ये मधुमक्खियाँ जिस टाइम मौसम ठंडा भी रहता है तब ये बहुत अच्छी वर्किंग करती है, और जो हम दूसरे बॉक्सेस हायर करके लाते हैं मेलिफेरा के, तो उनसे ज़्यादा प्रोग्रेस जो है इनकी रहती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा मौसम भी होता है तब ये निकल कर जो है काम करने लगती है, और बहुत अच्छा काम ये शाम तक कर जाती है, जिससे कि हमारे बगीचे में अच्छी फसल लगती है और गुणवत्ता वाली फसल लगती है। तो इसके साथ साथ हम जो है पॉलिनेशन भी इससे करा सकते हैं, पोलन भी इससे ले सकते हैं, और हम इसे शहद भी निकाल सकते हैं, और बचा हुआ जो इससे जो इसका अवशेष है, जो वैक्स है, उस वैक्स से बहुत सारी चीज़ें बनती है, और उससे हम वैक्स भी ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे फ़ायदे जो है हमारे को सिराना मधुमक्खी, इंडिका मधुमक्खी से मिलते हैं। ये जो शहद हमने यहाँ पर निकाला है, हार्वेस्ट किया है पहाड़ी मधुमक्खी से, तो ये आपको पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ये पूरे हिंदुस्तान में केवल शिमला जिला में हम निकाल रहे हैं। तो ये शहद जो है बहुत अच्छा है, और यहाँ पर लोकल में जो भी है तीरे मुखोटी में जो है वहाँ पर भी ये शहद निकलता है। तो ये वही शहद है जो आप लोग लोकल में खाते हैं, तो ये पुराना शहद असली शहद। अगर कोई इस काम की तरफ आना चाहता है तो वो एक या दो बॉक्स से भी शुरू कर सकता है मधुमक्खी पालन। एक बार उसको सीखना होगा, उसकी ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद वो अपना काम शुरू कर सकता है, और उसको डिपार्टमेंट भी हर तरफ से हेल्प करता है। आज हम अपनी बीवी फार्म मधुमक्खियों की, जो हमारी इंडिका सिराना मधुमक्खियों की फार्म घर पर है, यहाँ पर हमारे पास अभी 25 से 30 बॉक्सेस इंडिका सिराना मधुमक्खियों के हैं। तो आज हम इनमें शहद हार्वेस्ट करने वाले हैं, हनी हार्वेस्टिंग होने वाली है। शहद किस तरह से निकालते हैं ये आपको प्रॉपर हम वीडियो में दिखाएंगे। कि हमारे यहाँ पर जो बहुत पुराने समय से देसी मधुमक्खी से शहद निकाला जाता है, एक तो वो तरीका निकालने का सही नहीं है, क्योंकि उसमें जो है छत्ते काट कर उनके छत्ते जो है उसमें जो बच्चे होते हैं, अंडे लार्वा होते हैं, उनको सबको मिक्स करके वो शहद निकाला जाता है, जिससे वो शहद की क्वालिटी नहीं रहती है। तो आज हम आपको शहद निकालने का तरीका भी सिखाएंगे, और दिखाएंगे कि हमारा लोकल हनी कैसा होता है, और किस तरह से हार्वेस्ट किया जाता है, इसके अंदर फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम निकाल के और कैसे उसको मशीन में, जो मशीन रहती है एक्सट्रैक्टर मशीन, हनी एक्सट्रैक्टर मशीन, उसमें घुमा कर शहद किस तरह से निकालते हैं, और किस तरह से हमारी लेबलिंग पैकिंग के बाद होती है। तो हम आज आपको देसी मधुमक्खियाँ, आप देखेंगे हमारे पास पूरी फार्म यहाँ पे है,
आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसमें हम शहद निकालने वाले हैं और आपको शहद निकालने का तरीका दिखाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि बॉक्स को किस तरह से खोलना है और किस तरह से उसमें जो है हम शहद निकालेंगे। जब भी हम मधुमक्खी में अपनी पाम पर शहद निकालने जाते हैं तो हमारे पास दो चार चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। एक तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स पहन लें और दूसरा आप बीवेयर होना आपके पास ज़रूरी है ताकि मधुमक्खियाँ आपको काटेंगी, क्योंकि अगर आपको मधुमक्खियाँ काटेंगी तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आप जो है कोई गलती कर बैठेंगे। और आपके पास हाई फूल होना ज़रूरी है, तो हाई फूल तो अभी मेरे पास कहीं है नहीं, और ये या हाई फूल या पेचकस कुछ भी जो है जिससे आप जो है बॉक्स से फ्लेम निकाल सकें, तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। और आपके पास होना चाहिए सबसे पहले एक स्मोकर, जिससे कि आप धुआं लगाएंगे। मधुमक्खी को पहले धुआं लगा के शांत किया जाता है ताकि मधुमक्खियाँ ज़्यादा काटे नहीं या चिड़े नहीं, बिल्कुल वो जो है साइलेंट हो जाए। तो ये पहले आपको स्मोकर की ज़रूरत है, और उसके बाद आपको अगर आप छत्ता झाड़ दोगे तो उसमें मधुमक्खियाँ होगी, तो उसको झाड़ने के लिए आपके पास नरम सा ये ब्रश चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। तो अब हम आगे की हार्वेस्टिंग करने शुरू कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बॉक्स का ढक्कन उठाएंगे, मधुमक्खियों को बिल्कुल आराम से साइलेंट तरीके से जो है ये काम करना होता है मधुमक्खियों से शहद निकालने का। तो बिल्कुल सबसे पहले आप देख रहे हैं ये बॉक्स जो है दो बॉक्स इसमें लगे हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो इसमें क्या होता है कि नीचे वाले में ब्रूड चैम्बर है, इसमें ब्रूड जो है मधुमक्खियों का बच्चे अंडे लार्वा वगैरह वो सब रहता है, और इसमें सिर्फ मधुमक्खियाँ शहद तैयार करती हैं जब शहद का सीज़न आता है। तो इस बार बारिश से ज़्यादा रहने की वजह से इतना ज़्यादा शहद कलेक्ट नहीं हो पाया जैसा और साल होता था, तो इस साल थोड़ा शहद की जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो ये आप देखेंगे ये बॉक्स हमारा जो है हमने खोल दिया है। तो अब ये देखेंगे आप ये मधुमक्खियाँ हमारी जो है काम कैसे कर रही है और कैसे शहद बना रही है। ये देखिए, ये हमने इसमें जार भी एक इसलिए लगाया था कि हम एक वो तैयार कर रहे थे कि इसके अंदर ही छत्ता तैयार हो जाए, और एक एक्सपेरिमेंट था जो हम कर रहे थे। तो इस बॉक्स में तो नहीं हो पाया, दूसरे बॉक्स में हमने उसमें तैयार किया है काफ़ी हद तक मधुमक्खी ने छत्ता। तो डायरेक्ट जो है मधुमक्खियाँ शहद इसमें भरेगी और ऊपर से ढक्कन लगा के हम इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये हमारा शहद जो है मधुमक्खियों ने तैयार किया हुआ है छत्तों में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मधुमक्खियाँ जो है नीचे वाला जो पैच है, नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें ब्रूड की फ्रेमें हैं, मतलब उसमें मधुमक्खियाँ जो है अपने अंडे लार्वा बच्चे तैयार कर रही हैं, और इसमें सिर्फ जो है हमारा शहद तैयार होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ शहद है। तो अभी हमने जो है सबसे बड़ी जो बात है वो इसमें सबसे पहले स्मोकिंग करने की है कि हम इसमें जो है सबसे पहले धुआँ देंगे जिससे कि मधुमक्खियाँ शांत हो जाए, शांत रहे, ये काटे नहीं। तो ये इस तरह से हम इसमें स्मोकिंग करेंगे। स्मोकिंग करते ही आप देखेंगे कि मधुमक्खियाँ जो है शहद वाले पैच को छोड़कर अपने अंडे लार्वा और ब्रूड वाले पैच पर जाना शुरू कर रही है, इससे मधुमक्खियाँ एक तो काटेगी नहीं और दूसरा आसानी से छत्ते को छोड़ देगी। तो ये चीज़ हमारी जो है इस तरह से आप देखेंगे कितना अच्छा जो है शहद मधुमक्खियों ने तैयार किया हुआ ब्रश। तो अब इस तरह से हमने मधुमक्खियों को बॉक्स में झाड़ देना है। तो आप देखेंगे ये जो शहद है ये बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि ये शहद किस तरह से मधुमक्खी ने जो है छत्ता तैयार किया है। अब इस शहद को हम अगर मशीन में भी हार्वेस्ट ना करें और डायरेक्ट मार्केट में सेल कर दें तो ये मार्केट में सेल हो जाएगा, ये पूरा छत्ता जो है हमारा शहद का सेल हो जाएगा इसी तरह से, क्योंकि ये मधुमक्खी ने जो है शहद को पूरा पकाया हुआ है, छत्ता पूरा सील्ड है, पूरा छत्ता जो है मधुमक्खी ने बंद कर रखा है शहद का, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए इसने नीचे को जो है यहाँ से नीचे भी शहद बना रखा है। ठीक है, अभी आपको ये एक छत्ता जो है हमारा ये बिल्कुल तैयार है शहद का, अभी हम इसे दूसरा छत्ता निकालेंगे। तो ये आपको देखना कि बॉक्स से जो हम सिराना के बॉक्स पाल रहे हैं उनसे हम किस तरह से जो है हनी की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये आप देखिए शहद किस तरह से जो है नीचे और ऊपर मधुमक्खियों ने लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा जो है शहद मधुमक्खी ने तैयार किया हुआ है। ये हमारा सुपर से निकाला हुआ शहद है, सुपर से निकला हुआ शहद
बहुत ही क्वालिटी हनी है और बहुत ही अच्छा शहद रहता है। ये बहुत ही अच्छा शहद है, ये कोम हनी है। इस तरह का शहद जो है आप अगर कोम हनी नाम से सर्च करेंगे गूगल या कहीं पर भी, तो आपको इसके प्राइजेज आ जाएंगे। एक फ्रेम का जो प्राइस है वो 5,000 रुपये तक आपको गूगल में देखने को मिलेगा, और कई साइडों में जो है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या कहीं और कहीं भी आपको ये फ्रेम आपको देखने को मिल जाएगा जिसका प्राइस जो है इतना ज़्यादा। जहाँ भी वेस्टर्न कंट्रियों में, जहाँ पर भी दूसरी कंट्रियों में, अच्छी कंट्रियों में जहाँ बी कीपिंग अच्छी होती है, वहाँ पर जो है शहद इस तरह से ही निकाला जाता है और ऐसा ही शहद मार्केट में लाया जाता है, और ऐसे ही शहद की जो है अच्छे प्राइजेज मिलते हैं। और ये शहद जो है हमारा ऑर्गेनिक तो है, साथ में ये हमारा पहाड़ी शहद है हमारे यहाँ का, जो कि इस समय आप देख रहे हैं इसमें अभी लगभग 1 से 2 किलो के बीच जो है शहद है, और पूरा का पूरा शहद का पैच है, पूरा इसमें हनी है। आप इसके सेल देख सकते हैं कि कितने बड़े इसके सेल्स हैं, और कितने बड़े सेल्स के अंदर इसमें सिर्फ जो है हनी है। तो हम इसको जब एक्सट्रैक्ट करेंगे मशीन में तो आपको दिखाएंगे बाकी फ्रेम्स किस तरह से जो है इसको आगे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक्सट्रैक्टर मशीन में। तो मधुमक्खियाँ आप देख रहे हैं इसमें अभी लगभग नीचे 8 छत्ते और है जो इसके नीचे हैं, तो इसमें हम शहद का जो पैच है उसको आसानी से निकाल सकते हैं और कुछ एक छत्ते मधुमक्खियों के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि मधुमक्खियाँ भी जो है भूखी नहीं रहेंगी, उनको भी खाने को मिल जाएगा। मधुमक्खी के बॉक्स में शुरू में और लास्ट में 2 छत्ते ऐसे रहते हैं जिसमें शहद की क्वांटिटी जो है ज़्यादा होती है, और बाकी के छत्तों में शहद कम और ब्रूडिंग ज़्यादा होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि शुरू का और एंड का छत्ता आप जो है निकाल सकते हैं, जिससे आपको अच्छा शहद मिलेगा, क्वालिटी हनी मिलेगा। और हमें एक ध्यान रखना होता है कि शहद हमेशा जब भी निकाले ऐसा शहद निकलना चाहिए जो बिल्कुल पूरी तरह से सील्ड है, जिसमें मधुमक्खियों ने छत्ते को पूरी तरह से बंद किया हुआ है, सील्ड किया है। ये हमारी SS304 जो स्टील का फूड ग्रेड होता है उसकी मशीन है, ये प्योर स्टील की रहती है ताकि इसमें शहद की क्वालिटी जो है ख़राब ना हो। तो इसमें शहद निकालने का आप जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो छत्ते हमने लाए हैं उनको हार्वेस्ट किस तरह से करना है। तो ये जो है हमारा शहद जो आपको दिखाया था वहाँ पे, तो इस तरह से जो है शहद तैयार है और इसको किस तरह से निकाला जाता है, तो ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एक थाली है